प्रदेश के हर छोटे बड़े मुद्दों को देंगे प्राथमिकता। गरीब, पीड़ित, वंचित, शोषितों की उठाएंगे आवाज। गांव हो या शहर, हर खबर पर होगी हमारी नजर। आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24, हमेशा आपके हित में। नमस्कार, मैं हूं तान्या, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। शाह बोले, ये चुनाव मोदी की भारतीय गारंटी और राहुल गांधी की चीनी गारंटी के बीच है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को तेलंगाना के रायगिरी में चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने कहा, 2024 का चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी का चुनाव है। ये चुनाव वोट फॉर जिहाद और वोट फॉर विकास के बीच है। ये चुनाव राहुल गांधी की चाइनीज गारंटी के खिलाफ मोदी जी की भारतीय गारंटी का है। शाह ने कहा कि कांग्रेस अपने वादे पूरे नहीं करती है, लेकिन पीएम मोदी अपने शब्दों पर कायम है। कांग्रेस ने 70 साल तक राम मंदिर का निर्माण रोक कर रखा। पीएम मोदी ने सिर्फ 5 साल में केस जीत लिया और उन्होंने भूमि पूजन और प्राण प्रतिष्ठा समारोह किया। प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 370 को हटा दिया ताकि कश्मीर में अनंत काल तक तिरंगा लहराता रहे। गृह मंत्री ने आगे कहा कि बीआरएस तेलंगाना में विकास करने के वादे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन उसने केवल भ्रष्टाचार किया। यहाँ के लोगों ने रेवंत रेड्डी को 5 साल दिए, हालांकि उन्होंने तेलंगाना को कांग्रेस के लिए एटीएम में बदलने के अलावा कुछ नहीं किया। आप हमें तेलंगाना में 10 से ज्यादा सीटों का आशीर्वाद दें, हम इसे भारत का नंबर 1 राज्य बना देंगे।